की तमाम कोशिशों के बाद भी नगर के एकमात्र तालाब की हालत कोई सुधार नहीं पा रहा। सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। शहर में निस्तारी के लिए एकमात्र यही तालाब है। इसमें शहर की आधी आबादी निस्तारी करती है और अब इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता पालिका में सत्ता पक्ष बीजेपी पर छिंद तालाब की सफाई को लेकर सिर्फ दिखावा करने का आरोप लगा रही है। वहीं पालिका अध्यक्ष गफ्फू मैमन छिंद तालाब को जल्द ही रायपुर के मरीन ड्राइव तर्ज पर विकसित करने का दावा कर रहे हैं। देखिए, आप पूरा जो तालाब है जलकुंभी से पूरा पटा पड़ा हुआ है, उसके बावजूद हमारी सरकार इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए हमने माननीय विधायक महोदय को भी प्रस्ताव भेजा है और मुख्यमंत्री सरोवर धरोहर योजना जो है उसके द्वारा अनुदान मिलने पे हम इस तालाब का सौंदर्यीकरण करवाएं। ठेके में दिए हैं, वो बहुत कुछ अभी तक साफ किया है, लेकिन हम अभी नई टीम बैठने के बाद हमारा सबसे मेन प्रोजेक्ट ही हम लोग मान के चल रहे हैं छिंद तालाब, और हम लोग ने यहाँ से प्रोजेक्ट बनाकर सर्वे कराकर भेज दिए हैं, उसको मरीन ड्राइव के तर्ज पर बनाएंगे बहुत जल्दी। मुझे लगता है शासन से जितनी जल्दी मंजूरी मिल जाएगी वहां से फंड आ जाएगा, उसका काम चालू हो जाएगा। इंदौर एसकेएफ ने फर्जी एडवाइजरी